गौतम गंभीर की मनमानी के बाद अब विराट कोहली ने भी कर ली बड़ी तैयारी। श्रीलंका की धरती पर विराट करने वाले हैं ये तीन बड़े काम जो कोच गंभीर भी देखते रह जाएंगे। श्रीलंका में कदम रखते ही विराट कोहली के नाम होंगी ये बड़ी उपलब्धियां। कांप उठेगी लंका। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया में तकरीबन 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ जिन्होंने कभी न कभी केकेआर के लिए खेला है। किसी ने गंभीर की कप्तानी में केकेआर के लिए खेला तो किसी ने उनकी मेंटरशिप में। गंभीर की इस मनमानी के बाद अब विराट कोहली ने भी बड़ी तैयारी कर ली। विराट की इस तैयारी का असर श्रीलंका दौरे पर देखने को मिल सकता है जहां वो तीन बड़े काम को अंजाम देते दिखेंगे। ऐसा करने के लिए उनके पास बस 120 घंटे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि विराट कोहली श्रीलंका दौरे पर ऐसा क्या करने वाले हैं, आखिर क्या है उनके दिलो दिमाग पर जो श्रीलंका इस जमीन पर अमली जामा पहनता दिख सकता है। विराट कोहली जो करने वाले हैं उसका सीधा ताल्लुक उनके आंकड़ों से जुड़ा है। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसकी कहानी बुनते विराट कोहली श्रीलंका इस जमीन पर दिख सकते हैं। विराट कोहली से जुड़े तीन आंकड़ों में से एक वनडे क्रिकेट में उनके बनाए रनों से जुड़ा है, वही दूसरा आंकड़ा विराट के इंटरनेशनल रन से जुड़ा है और तीसरा आंकड़ा है श्रीलंका की धरती पर 1000 रन का। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में अपने 14000 रन से 152 रन दूर हैं, वही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27000 रनों से वो 116 रन दूर हैं। इसके अलावा श्रीलंका में 1000 रन पूरे करने के लिए उन्हें 135 रनों की जरूरत है। ये तीनों उपलब्धियां श्रीलंका दौरे पर विराट कोहली की हो सकती हैं अगर वो वनडे सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर तीन वनडे खेलने हैं जिसकी शुरुआत 2 अगस्त से होगी, वहीं सीरीज का आखिरी वनडे 7 अगस्त को होगा। तीनों वनडे 5 दिन यानी 120 घंटे के अंदर खेले जाएंगे। इन 120 घंटों में विराट कोहली अब क्या करते हैं ये दुनिया को देखने को मिलेगा। अगर उनका बल्ला चला तो फिर तीनों उपलब्धियां की सीरीज में उनके नाम होंगी और अगर नहीं चली तो इसके लिए कोहली का इंतजार बढ़ जाएगा। विराट कोहली ने श्रीलंका में अब तक 22 वनडे में 50.88 की औसत के साथ 865 रन जमाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक भी जड़े हैं। वनडे में विराट कोहली के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 292 मैचों में 13,848 रन 50 शतकों के साथ बनाए हैं। विराट कोहली का श्रीलंका का दौरा इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि ये वो 7 साल के बाद वनडे सीरीज के लिए इस देश का दौरा करेंगे। विराट ने इससे पहले श्रीलंका में उनके खिलाफ साल 2017 में बाइलेटरल सीरीज खेली थी, तब वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। इसके बाद उन्होंने किसी भी वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा नहीं किया, लेकिन गौतम गंभीर के हेड कोच बनते ही विराट का सिलसिला टूट गया और अब वो श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली श्रीलंका में आखिरी बार वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था, वो सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 5 वनडे मैचों में 110 के औसत के साथ 330 रन बनाए थे। इस दौरान विराट ने 1 अर्धशतक और 2 शतक भी लगाए थे। वहीं रोहित शर्मा इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने 5 मैचों में 75.50 के औसत के साथ 302 रन बनाए थे। उन्होंने भी इस सीरीज में 1 अर्धशतक और 2 शतक जड़े थे। अब ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर साथ में श्रीलंका का दौरा करने के लिए तैयार हैं, जहां रोहित शर्मा टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।